अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के नए ट्यूटोरियल के साथ, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई आप जनरल स्टोर या किराना दुकान का कोई फ्लेक्स बोर्ड या फिर बैनर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो एक बहुत खूबसूरत सा बैनर बहुत ही आसानी के साथ कैसे डिज़ाइन करेंगे, आज हम उसी को दिखाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, सबक शुरू करता हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बैनर वगैरह का जो साइज़ होता है वो कस्टमर के हिसाब से होता है, काम के हिसाब से होता है, तो साइज़ तो आपको उनसे ही मालूम करना होगा। लेकिन इतना ज़रूर आप समझ लें कि बैनर वगैरह का जो साइज़ होता है, फ्लेक्स बोर्ड का जो साइज़ होता है, वो फिट में होता है। तो मैंने यहाँ से फिट कर दिया है और अपने हिसाब से 7x3 यानी 7 तो इसकी चौड़ाई और 3 इसकी लंबाई मैंने यहाँ से मुतय्यन कर दी। उसके बाद मैं यहाँ से कर रहा हूँ डबल क्लिक। ओके, डबल क्लिक करने से इसके ऊपर एक बॉक्स बनकर आ जाता है। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं और एक कॉपी भी कर रहे हैं माउस के जरिए से, तो एक कॉपी हो गई। अब हम यहां से इसका साइज रख रहे हैं 1.25। ओके, ये अब हम इसी को सिलेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद शिफ्ट के साथ ये जो नीचे एक बना हुआ है बड़ा सा बॉक्स उस पर क्लिक किया और कीबोर्ड से एल बटन दबाएंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। ओके, ये लेफ्ट में आ चुका है। अब हम यहां से सबसे पहले अरेंजमेंट में जाते हैं, कन्वर्ट टू कर्व, और इसको हम सबसे पहले यहां से ये वाला कलर देते हैं, और यहां पे डबल क्लिक करने के बाद यहां से हम इस पे दे देते हैं सिर्फ 30 नंबर। ओके, ये वाला कलर हमने मुतय्यन कर दिया। अब इसका हम आउटलाइन कर रहे हैं फिलहाल खत्म। ओके, चूंकि हमने कन्वर्ट टू कर्व इसको कर दिया हुआ है, इसलिए अब हम शेप टूल पे जाते हैं और इसको कंट्रोल दबा के थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं। ओके, अब हम इसी पे राइट क्लिक करके टू कर्व कर रहे हैं, और इसको तो हम कर रहे हैं इधर की तरफ, और इसको कर रहे हैं हम थोड़ा सा इधर की तरफ। ओके, थोड़ा सा चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये तो मैंने कर दिया, आप देख रहे होंगे। अब यहां से इसी को मैं प्लस से एक और कॉपी करूंगा, कीबोर्ड का प्लस बटन दबा करके कॉपी कर लीजिए, या फिर आप कॉपी पेस्ट के जरिए एक और कॉपी कर लें, जैसे कि मैंने एक कॉपी कर दी इसके ऊपर। ओके, अब मैं यहां से इसको कलर दे रहा हूं थोड़ा सा डार्क कलर, और उसके बाद हम यहां से फिर से शेप टूल पे जा रहे हैं और इसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इसको सिलेक्ट करने से पहले एक बात ख्याल रखिएगा आप, कि हमको यहां से 0.1 ये नंबर दे देना है। ओके, और यहां से हम अब इसको सिलेक्ट करके राइट एरो से एक मरतबा हम इधर क्लिक कर देंगे तो इधर से बड़ा हो जाएगा, और हम नीचे वाले को इस तरह से फिर से सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करना है तो ये थोड़ा सा इधर आएगा। ओके, अब हम यहां से इसको कंट्रोल पेज डाउन के जरिए या फिर अरेंज मेन्यू में ऑर्डर में ये है आपका बैक वन, इस तरह से हम पीछे कर देंगे इसको। अब ये वाला जो नीचे वाला है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, और यहां से इंटरेक्टिव फिल टूल, और यहां से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, और यहां से हम कलर दे रहे हैं इसको ये थोड़ा सा डार्क कलर। तो ये तो हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक बॉक्स हम बनाएंगे ऐसे ही छोटा सा इसके ऊपर, इसको हम रख लेते हैं यहां, और इसी के नीचे एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। इसको तो हम कलर दे रहे हैं यहीं से बिल्कुल डार्क, और यहां से इसको हम कलर दे रहे हैं यहां पे जाने के बाद यहां से जो भी हो 25% और ओके, बल्कि चलिए कोई बात नहीं। अब यहां से मैं इसका आउटलाइन खत्म कर रहा हूं। अब देखिए ये दोनों जो हमने बनाया है इसको मैं कंट्रोल जी से कर रहा हूं ग्रुप,
और शिफ्ट पेज अब से इसको कर रहा हूं ऊपर। ओके, अब यहां से भी आप इसको इधर की तरफ से पलट के कॉपी कर दीजिए और इसको सिलेक्ट रहने दीजिए, फिर इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे और आर से आ जाएंगे राइट में। ओके, तो ये हमारा तैयार हो चुका है इस तरह से। ये वाला कलर आप चाहे तो थोड़ा सा कलर खूबसूरती के साथ बना लें, आपको जो अच्छा लगे थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। ओके, और यहां से ओके कर देते हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो मुझे एक इमेज लेना है, तो चलिए मैं यहां से ले लेता हूं इमेज। ये जितने भी इमेजेस आप देख रहे हैं इसमें वो सब मैंने एक जो है हाउ टू डाउनलोड बैकग्राउंड, बल्कि बेस्ट बैकग्राउंड के नाम से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये सारे इमेजेस डाल दिए। तो इसी में से मैं एक इमेज ले रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती रहती है डिजाइनिंग में। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से यहाँ पे ये कर रहा हूँ। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट करके इफेक्ट मेनू में पावर क्लिप में प्लेस इनसाइड और यहां से टच, ये अंदर आ जाएगा। अब एडिट में जाएंगे और यहां से हम सिलेक्ट करके इस तरह से, पहले तो हम पी बटन दबा लेते ताकि पेज में पेज के बीच में आ जाए। ओके, यहां से अब इसको भी हम इस तरह से पलट देते हैं। अब इन दोनों को एक करना है तो यहां से दोनों को सिलेक्ट कीजिए, बिटमैप में जाइए, कन्वर्ट टू बिटमैप, और यहां से बिल्कुल वैसे ही रहने दें, बल्कि यहां से आरजीबी आप सिलेक्ट कर लें। ओके, और यहां से मैं कर देता हूं ओके। तो ये दोनों एक हो जाता है अगर आप इस तरह से कर देते हैं। तो ये मैंने कन्वर्ट टू बिटमैप कर दिया, थोड़ा सा ये वक्त लेता है तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। अब ये देखिए इस तरह से ये दोनों को एक कर देगा। ओके, अब मैं पी बटन दबा करके फिर से पेज के बीच में जा रहा हूं और इसको नीचे लेके आइए और जितना बड़ा करना होगा अपने हिसाब से इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ओके, अब मैं यहां से कर रहा हूं फिनिश। तो अब देखिए यहां पे एक डिजाइन बन के आपके सामने आ चुका है। ये तो डिजाइन हमारा बन चुका है। अब हम चलते हैं इन पेज पर और जो चीज़ हमें लिखनी है, सबसे पहले तो ये है जमाल जनरल स्टोर हमने लिख के रखा हुआ। अब यहाँ से मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ, आल्ट टैब से यहाँ आ गए और कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल क्यू से कन्वर्ट टू कर्व, और ताला लॉक करने के बाद यहाँ से मैं इसको दे रहा हूँ 5 नंबर। ओके, तो ये छोटा हो जाता है। अब यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। ओके, और मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ इस तरह से। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे आप सिंपली बस उसी तरह से कैप्स लॉक मैं ऑन कर रहा हूं और यहां लिख रहा हूं जमाल, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे इस तरह से। F8 बटन दबाएंगे राइटिंग मोड में आ जाएगा जनरल स्टोर। ओके, ये मैंने लिख दिया है। अब यहां से चाहे तो फॉन्ट चेंज कर लें एरियल ब्लैक, और यहां से मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर देता हूं। ओके, और इसको यहां से आप रख दीजिए इस तरह से बीच में, और इसको मैं दे देता हूं कलर व्हाइट। देखिए कलर कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है कलर की वजह से। देखिए अगर इसको आप कोई दूसरा कलर रखें तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, तो व्हाइट ही दे आप यहां पर। अब देखिए इसके अलावा मुझे बहुत सारी चीजें यहां पर रखनी है, तो अब आप देखेंगे कि किस तरह की दुकान है, तो उसके एतबार से आप यहां पर चीजें एड कर देंगे। अब मैं चलिए यहां पर से देखिए, सबसे पहले तो मैं यहां से ये फाइल ले लेता हूं और यहां से हम कर देते हैं इसमें इंपोर्ट। ये मैंने पहले से ही रखा हुआ है इस तरह से। ओके, तो अब मैं यहां से देखिए इस तरह से मैं सेट कर रहा हूं थोड़ा सा ये। अब आप जो है ऐसा नहीं होगा कि आपके पास भी इस तरह से सेट किया हुआ होगा, बल्कि बहुत सारी चीजें ये अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं आपको बल्कि ये चीजें गिफ्ट भी करने वाला हूं। इस फाइल का CDR फाइल का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इन सारी चीज़ों को आप भी अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो अपनी दुकान में रख सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें रख दी हैं आपकी सहूलत के लिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो ऐसा नहीं कि ये चीज़ें आपको कटिंग की भी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें आपको फोटोशॉप में कटिंग करनी पड़ती है। तो मैंने ये फोटोशॉप का वीडियो भी बनाया होगा कि कैसे ये सब चीज़ों को कटिंग करके आप जो है अपने कोरल के अंदर डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के आखिर में उस वीडियो को डाल दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं उसको कैसे कटिंग करके डाला जाता है इसके अंदर। तो ये मैंने कटिंग करके फिलहाल रख दिया है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अभी आपने देखा कि एक खूबसूरत सा बैनर या फ्लेक्स बोर्ड आप बहुत आसानी के साथ कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।